हेलो फ्रेंड्स एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो म्यूचुअल फंड से अर्निंग है पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कितना है लास्ट एक महीने का। एंड साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा अगर आप अभी के टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किस म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ ग्रो ऐप के थ्रू। तो मैं ग्रो ऐप में लॉगिन कर लेता हूँ। इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल ईजी है। ये देखिए, मैं फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ तो मैं सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो में चल के मैं अपना प्रूफ दिखा देता हूँ एंड फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन से म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यह है मेरा पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर एक अच्छा फीचर यह है कि यहाँ पर आपको डे चेंज दिखा देता है, मतलब डे में कौन सा म्यूचुअल फ़ंड बढ़ा है, कौन सा गिरा है। ठीक है, एंड टोटल कितना फ़ायदा हुआ है ओवर डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फ़ंड्स, वो भी आपको यहाँ पर शो कर देता है। ठीक है, नाउ अगर आपको ये कलेक्टिव वे में देखना है तो ये ऊपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरा जो अर्निंग है 40 इन्वेस्टेड अमाउंट है जो कि 46,613 है। ठीक है, करेंट अमाउंट है 51,612। ठीक है, तो रिटर्न्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, रिटर्न्स है बेसिकली जो इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, वो है 4,998। अगर आप मेरा पिछले महीने का वीडियो देखे हो तो मैंने उसमें आपको मेरा जो रिटर्न्स था वो दिखाया था, वो था 3,449 का। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,550 बढ़ा है। ठीक है, तो एक महीने में 1,550 बढ़ा विदाउट एनी वर्क। आप जस्ट इन्वेस्ट करो इसको सही वे में और आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मेरा प्रूफ है, आप यहाँ पे प्रूफ सामने देख सकते हो। ठीक है, ये एक महीने का ही रिटर्न है। क्योंकि अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है जो कि एक महीना पहले भी नहीं हुआ होगा, कह सकते हो आप 28 डेज पहले। ठीक है, तो वहाँ से ये 1,550 इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं जो अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं दोबारा बोलूँगा, ये एक डाइवर्सिफाइड वे में करता हूँ। आप देख सकते हो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में करता हूँ, जिससे लॉस का चांसेस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का एम यही होता है कि आपको प्रॉफिट देना कैसे भी करके, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करो एक डाइवर्सिफाइड वे में ही करो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी के टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको अभी के टाइम में ऑफ़र करूँगा, वो है गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स। मैं यहाँ पे पहले सॉर्ट कर लेता हूँ रिटर्न्स हाई टू लो। या तो अभी यहाँ पे लोड हो गया है। वैसे अगर आपको लंबे टाइम के लिए करना है, आपको पैसा बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है, पैसा अगर आपको बिल्कुल लॉन्ग टाइम के लिए 3 साल 4 साल के लिए करना है, तो या आप PGIM फंड देख सकते हो, फ्रैंकलिन देख सकते हो, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए अभी के टाइम पे, जैसा अभी सिचुएशन है COVID-19 का, उसके रिलेशन में अगर आपको अच्छा मनी चाहिए तो आप गोल्ड फंड्स के लिए जा सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड, कोटैक गोल्ड फंड, ठीक है, इन्वेस्को इंडिया गोल्ड फंड, ICC प्रूडेंशियल गोल्ड फंड, इनका रिटर्न आप देख सकते हो। ठीक है, मैं अभी आपको इनका रिटर्न दिखाऊंगा लास्ट ईयर का। ठीक है, लास्ट एक साल का इसका रिटर्न है 67%। कैन यू इमेजिन, लाइक अगर आप 100 रुपी इन्वेस्ट किए हो लास्ट एक साल पहले, तो आपका जो रिटर्न होगा वो होगा 167 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, जो आप गेस कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट एक महीने का जो रिटर्न रहा है 22.42%। कैन यू इमेजिन, अगर आप बैंक में भी FD खोलोगे तो अराउंड 7-8% ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। तो आपको 3 साल का रिटर्न जो है एक बैंक में जो मिलेगा, वो आपको इससे एक महीना में मिल रहा है गोल्ड में इन्वेस्ट करके। तो अभी जब तक COVID-19 है, जब तक सिचुएशन अनसर्टेन है, तब तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा अगर आपको अभी तुरंत इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करो, इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो जब से ये मार्च का महीना आया, तब से ये गोल्ड का फंड में बहुत इंक्रीज़ हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक है, उसके पहले ये स्टेबल था गोल्ड का प्राइस, बट उसके बाद जो है गोल्ड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, 67% टोटल इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको दूसरा गोल्ड का फंड दिखाऊं, आप अपने मुताबिक जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहो गोल्ड के फंड में, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा है कोटैक गोल्ड फंड, और इसमें भी 48% का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है एक साल में, एंड लास्ट एक महीना में 15.50%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, 15.50, कैन यू इमेजिन, लास्ट 2 साल में 3 साल में जितना आपको बैंक से मिलेगा वो आपको एक महीने में मिल जाएगा।
ऐसे ही अगर आपको और सेफ फंड इन्वेस्ट करना है, मतलब कोई कंपनी में जो कि आप बहुत ट्रस्टेड हो, तो आप SBI का गोल्ड फंड ले सकते हो। ठीक है, इसका भी रिटर्न अच्छा है, 49% 1 साल में और लास्ट 1 महीना में 16%। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोई भी गोल्ड फंड अभी चूज़ कर सकते हो, सारे गोल्ड फंड आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे ही गोल्ड फंड अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये तब तक करते रहेंगे जब तक सिचुएशन जो है वो अनसर्टेन रहेगा। ठीक है, बट एक बार सिचुएशन स्टेबल हो जाएगा तो लोग गोल्ड से पैसा निकालना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा उसके बाद। तो जैसे ही सिचुएशन सही होता है आपको गोल्ड से पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, अगर लॉन्ग टर्म में चाहिए तो ये PGIM फंड है और फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड है, इसमें इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर बाकी अगर आपको किसी में इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे रिटर्न तो देख ही सकते हो, लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न जैसे 29%, 27%, इसके अकॉर्डिंगली भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि आप प्रॉपरली फंड को एनालाइज़ करो कि लास्ट 5 ईयर्स में कैसा परफॉर्मेंस है, ऑल टाइम कैसा परफॉर्मेंस है, वन ईयर का कैसा परफॉर्मेंस है, एंड पूरा देख के तभी आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो एंड करूँगा, बट उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। जो रिटर्न्स 1 महीने में रहा है वो है 1550 का। ठीक है, एंड अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप, मैं पिछला वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगा जो कि मैंने 1 महीना पहले टू बी एग्जैक्ट 28 डेज पहले ही अपलोड किया था, एंड तब से 1550 बढ़ चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन करें, एंड मैं आपका हेल्प करूँगा जल्द से जल्द। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।